हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिव्यश्रिता शो। तो आज का वीडियो है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, जितना ज़्यादा एक मदर को हैप्पीनेस फील होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं मदर्स के साथ में। उसमें से एक प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे, वो है कि कई बार आपके निप्पल से जो है दूध आना बंद हो जाता है, यानी जो निप्पल के पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। काफ़ी मॉम्स के साथ में ऐसा प्रॉब्लम आता है और कई बार ये प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि आप बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाते हो। तो बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, मतलब निप्पल के पोर्स क्यों बंद हो जाते हैं या दूध आना क्यों बंद हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं इसके, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए, और ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे आपको करते रहना है जिससे प्रॉब्लम आपको ना आए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो बात करते हैं, अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आप देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा। आप देखोगे कि निप्पल के आगे जो है थोड़ी सी स्किन सी आ जाती है, और वो वाइट कलर की हो सकती है या ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, बट आपको लगेगा कि मिल्क जो है नहीं आ रहा है, जो पोर्स हैं वो निप्पल के बंद हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेन इचिंग आपको हो रही है। तो आपको समझ नहीं आता कि कई बार क्या करना है। स्पेशली जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मदर के सामने खड़ा होता है वो ये कि अगर जो थोड़ा बहुत दूध आ भी रहा है तो उस टाइम पे बच्चे को दूध पिलाना है या नहीं पिलाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और आपको थोड़ा बहुत भी दूध आ रहा है उस टाइम पे, तो बच्चे को डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बच्चे जितना ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उतना प्रॉब्लम ये आपका कम होगा। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम आपका बढ़ता जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम आपको पेन हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली आपको पेन हो रहा है, और जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा तो उस टाइम पर प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा और बढ़ सकता है। बट वो थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त करते हुए अगर आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको बच्चे को दूध पिलाते रहना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कारण की बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। एक मदर को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम उनके साथ में क्यों आ रही है, ताकि आगे आपको क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, कुछ लोग 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाते हैं, कुछ लोग 1 साल तक बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों हुई थी और आगे इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि जब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके ब्रेस्ट के अंदर, और जितना दूध प्रोड्यूस हो रहा है उतना निकल नहीं पा रहा है, तो कई बार उस केस में ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ में आ जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि बच्चा जब दूध पी रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से या तो दूध पी नहीं पा रहा है, या फिर आप अगर ब्रेस्ट पंप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। कई बार इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब दूध का जो बाहर निकलना है वो प्रोसेस करेक्ट नहीं होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट पे निप्पल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। वो क्यों आता है, जैसे सपोज़ आप ट्रैवल करते हो तो आपने डायपर बैग वगैरह आपने टांग लिया, बच्चे को बेल्ट की सपोर्ट से कुछ लोग उठाते हैं, तो उसका प्रेशर कई बार ब्रेस्ट पे आ जाता है। तो मतलब कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट पे आपके निप्पल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ओवर सप्लाई की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकता है, मतलब दूध जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर और उतना दूध बच्चा पी नहीं पा रहा है, उतना दूध आप निकाल नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। और एक प्रॉब्लम होता है कि आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिसको थ्रश भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह आपको है, आपको लग रहा है कि जितने मैंने रीजंस पहले बताया, अगर आपको लग रहा है कि उसकी वजह से नहीं है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह आपको लग रहा है, कुछ पस वगैरह भी आपको फील हो रही है, या वो थ्रश का प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली सबसे पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाता है। बट अगर ओवर सप्लाई वगैरह का या प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ही थोड़ा सा केयर करना है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ में होता है। आप करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो करना है आपको, जैसे मैंने आपको सबसे पहले भी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करना है, बच्चे को दूध पिलाते रहना है। अगर आप पिला पा रहे हैं, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत दूध भी आ रहा है, तो बच्चे को पिलाते रहिए, ये प्रॉब्लम आपका उसी से काफ़ी कम हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको करना है थोड़ा सा आपके ब्रेस्ट का केयर, वो आपको करना है कि निप्पल के आगे जो स्किन है आप
कुछ एक कपड़ा ले लीजिए, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, थोड़ा सा उसको गीला कर लीजिए और निपल के आगे की जो स्किन है उस कपड़े की हेल्प से थोड़ा सा उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली करना है। उससे क्या होगा कि आगे जितनी भी स्किन है वो थोड़ा सा रिमूव होती जाएगी। अब वो एक ही बार में नहीं हो जाएगी, आपको कुछ कुछ कैप भी ऐसे करना है, जैसे पूरा दिन में 2 बार कर लिया, या फिर जितनी बार भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीड कराने से पहले कर लिया और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद कर लिया। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आप करते रहेंगे तो ये जो आगे निपल के आगे स्किन आ रहा है या निपल के पोर्स बंद हो रहे हैं वो आपको क्लियर होने में हेल्प मिलेगा। उसके अलावा आपको करना है कि जब भी आप बाथ ले रहे हो तो बहुत ठंडे पानी से बाथ नहीं लीजिए। अगर समर्स भी हैं तो भी थोड़ा सा गुनगुने पानी से आप बाथ लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके अलावा एप्सम सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी केमिस्ट शॉप पर आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। एप्सम सॉल्ट पानी में डाल के अपने ब्रेस्ट को उसमें थोड़े देर डालिए, मतलब ब्रेस्ट पे अगर एप्सम सॉल्ट लगता है, एप्सम सॉल्ट वाले वाटर में आप ब्रेस्ट को डिप करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। आप ये भी कर सकते हो, थोड़ी सी आप ब्रेस्ट की सिकाई कर सकते हो, जैसे हीटिंग पैड्स वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से थोड़ा सा कम गर्म पानी हो उसके अंदर, या इलेक्ट्रिक बेल्ट से आप कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि उसे करना ठीक है या नहीं है, बट थोड़ा सा सिकाई भी आप अपने ब्रेस्ट की कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एक चीज़ और जो आप कर सकते हो वो आपको करनी है आपकी ब्रेस्ट की थोड़ी सी मसाज, निपल का थोड़ा सा मसाज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या है कि स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जो भी स्किन निपल के आगे है उसको रिमूव होने में हेल्प मिलेगा। तो मसाज आप कर सकते हैं, मसाज आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, नॉर्मली आप अगर कोई बॉडी ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहें उस ऑयल से आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। उससे ये प्रॉब्लम को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब डायपर बैग वगैरह उठाने से, या बेबी को आप बेल्ट की सपोर्ट से उठा रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट पे या निपल पे प्रेशर आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूध का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे के गैप पे बच्चे को दूध पिलाइए। अगर 2 घंटे के गैप पे बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, कई बड़ी क्या होता है कि मॉम्स बाहर होते हैं, वर्किंग होते हैं, नहीं ऐसा कर पाते हैं, तो उस केस में हर 2 से 2.5 घंटे के इंटरवल पे आप दूध को निकालिए, चाहे आप हाथ से एक्सप्रेस करके निकालिए, आप पंप से निकालिए, आप उसको स्टोर कीजिए किसी भी तरीके से, मतलब हर 2 से 2.5 घंटे में ब्रेस्ट से दूध निकलते रहना चाहिए जिससे प्रॉब्लम आपका ना आए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको ये प्रॉब्लम को कम करने में और आगे प्रॉब्लम नहीं होने में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में कुछ पस वगैरह पड़ रहा है या इन्फेक्शन आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हुए आपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पर मेडिसिंस वगैरह डॉक्टर काफ़ी कम ही देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ मेडिसिन आपको देना ज़रूरी हो जाता है, तो उस केस में वेट ना करते और डॉक्टर को विज़िट कीजिए। वो जैसे भी आपको मेडिसिन वगैरह देके ट्रीट करना उनको ठीक लगेगा वो डेफिनेटली करेंगे, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये करते रहिए जितना मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी होम रेमेडीज़ भी करते रहिए, प्रॉब्लम आपका ज़रूर दूर हो जाएगा। और अपना ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को एंजॉय कीजिए, बच्चे को दूध पिलाते रहिए, कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध ज़रूर पिलाइए, हो सके तो 1 साल तक बच्चे को दूध पिलाइए। ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 1 साल तक, तो अगर आप पिला सकते हैं तो डेफिनेटली पिलाइए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर यूज़फुल रहा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आके मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।